हेलो दोस्तों हमने जैसा कि पिछले वीडियो में अप्रैल माह के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखा था वो लगभग सौ सौ थे अब हम इस वीडियो में जितने भी बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करेंट अफेयर्स अप्रैल से अप्रैल से बनने वाले वो हम आज की वीडियो में देखेंगे ठीक है तो आइए वीडियो शुरू करते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन ओके हाल ही में गोन पेंटिंग को जी टैग मिला है यह किस राज्य से संबंधित है या है मध्य प्रदेश राज्य से ओके दोस्तों यह कहां से संबंधित है मध्य प्रदेश से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में बालिकातन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है अमेरिका और फिलीपींस के बीच ओके नेक्स्ट हाल ही में महिंद्रा कंपनी के किस एमिरेट्स चेयरमैन का निधन हो गया है ओके ये है हमारे केशव महेंद्रा जी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में जूस मिशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है ठीक है ये है यूएसए, ठीक। अगला, हाल ही में टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के अनुसार शीर्ष पर कौन सा टाइगर रिजर्व है तो यह है हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व कौन सा रिजर्व है पेरियार टाइगर रिजर्व है नेक्स्ट देख लेते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है 12 अप्रैल को ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र ठीक है हाल ही में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है ठीक ये हुआ है हमारा नई दिल्ली में ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है तो ये है सुहेलवा ठीक है सुहेलवा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग ठीक है 2023 में भारत का स्थान कौन सा है तो इसमें भारत हमारा सतहत्तरवें स्थान पर है ओके नेक्स्ट देश का पहला मेडिकल सिटी ठीक है देश का पहला मेडिकल सिटी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है तो यह राज्य है हमारा महाराष्ट्र ओके नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया के नए टीके को मंजूरी दी है तो यह क्या है घाना ठीक है यह घाना देश है आगे हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन किस देश में आयोजित किया गया है तो यह आयोजित किया गया है फ्रांस में ओके? Next. हाल ही में बिहू नृत्य दो गिनीज गिनी रिकॉर्ड बनाए हैं यह किस राज्य से संबंधित है तो आप सब लोगों को पता ही होगा जो बिहू है वो कहां से संबंधित है असम राज्य से ठीक नेक्स्ट हाल ही में भारत के पहले रीट्स और रीट्स और इनविट्स सूचकांक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ठीक है यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ठीक है ऑप्शन नंबर ए सही है ठीक नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में एल ठीक है एल यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के नए मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है ये है हमारे रत्नाकर पटनायक ओके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किसने किया है ठीक है किस परियोजना का तुलसी घाट परियोजना का शुभारंभ किसने किया है तो यह किया है एस जयशंकर ने ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट हाल ही में अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है तो किसने जीता है अंतिम पंगल ओके अंतिम पंगल ने जीता है नेक्स्ट हाल ही में जारी ए आई इंडेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा है तो यह स्थान रहा है पांचवा ठीक है भारत हमारा किस नंबर पे था पांचवें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसे भारतीय प्रबंधन संघ द्वारा तेरहवें बिजनेस लीडर ऑफ द डिगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो यह कौन है हमारे कुमार मंगलम बिड़ला। ओके। विश्व रोग दिवस कब मनाया जाता है ठीक है यह मनाया जाता है आपका चौदह अप्रैल ठीक नेक्स्ट हाल ही में कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है ठीक है यह किस राज्य से संबंधित है तो कंबम अंगूर किस राज्य से संबंधित है या है केरल से ओके नेक्स्ट विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व कला दिवस हमारा मनाया जाता है फिफ्टीन अप्रैल को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ओके आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2023 से किस पुरुष को सम्मानित किया गया है या किस पुरुष खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है तो वो है साकिबुल हसन, नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में दूसरी महिला ट्वेंटी यानी ओमैन ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहा किया गया है तो वो किया गया है जयपुर में ठीक नेक्स्ट हाल ही में संघाई सहयोग संगठन फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है तो फूड फेस्टिवल का, तो का आयोजन किया गया है मुंबई में ओके okay. नेक्स्ट हाल ही में अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है तो किसने जीता है अमन सहरावत ने ठीक है अमन सहरावत ने जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है ओके भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है तो ये है जगनमोहन रेड्डी ओके okay? सबसे अमीर हैं जगनमोहन रेड्डी और अगर सबसे गरीब की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार तो ये हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले अखिल ठीक है पूर्वोत्तर के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो यह किया गया है गुवाहाटी में ठीक नेक्स्ट हाल ही में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है तो बौद्धिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है नई दिल्ली में ओके नेक्स्ट हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है ठीक है हाथियों के सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है तो यह कब मनाया जाता है 16 अप्रैल को नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी बनी है ठीक है तो ये है कोलकाता मेट्रो ठीक है नेक्स्ट हाल ही में न्यूयॉर्क शहर ने न्यूयॉर्क शहर ने अपना पहला रेट जार किसे नियुक्त किया गया है ठीक है रेट जार किसे नियुक्त किया है तो इन्होंने किया है कैथलीन को राडी को ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है नेक्स्ट हाल ही में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की जी ट्वेंटी बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है ठीक है किसकी कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक किस शहर में हुआ आयोजन इसका तो यह हुआ है वाराणसी ठीक नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में फ्रीडम इन ठीक है हाल ही में फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश कौन सा है तो दुनिया का जो सबसे कम स्वतंत्र देश है यानी कि जो अधिकतर गुलाम ही रहा है वो कौन सा है तिब्बत ओके नेक्स्ट हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संपीडित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है तो यह किया गया है आपका भोपाल ठीक है ये कहां किया गया है भोपाल में नेक्स्ट हाल ही में किस हाल ही में किसने पशु महामारी तैयारी पहल और वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली का शुभारंभ किया है ठीक है तो किसने किया इसे तो यह है रूपाला ठीक है परसोत्तम रूपाला ने किया है नेक्स्ट हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है ठीक है राष्ट्रपति द्वारा कितनी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है तो उनकी संख्या कितनी है दो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में जी सेवन शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है तो यह या जी ट्वेंटी सेवन यानी जी सेवन शिखर सम्मेलन कहा किया गया है तो यह है फ्रांस ओके नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व हीमोफोलिया दिवस जो मनाया जाता है 16 अप्रैल को मनाया जाता है नेक्स्ट देख लेते हैं नंदनी गुप्ता ने हाल ही में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ष 2023 का खिताब जीता है वह किस राज्य से संबंधित हैं ठीक है तो वो हैं राजस्थान राज्य से ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स ओके अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है तो यह कौन सा देश बना है नेपाल ठीक है हमारा पड़ोसी देश है नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसने मोजाम्बिक में भारत द्वारा निर्मित बुंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है तो किसने किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा ए ठीक है एस थ्री एन एट वायरस से पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है ठीक है ना इस वायरस से पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है तो वह है चाइना ओके कौन सा तो देश है चीन ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल नेक्स्ट हाल ही में द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को क्या नाम दिया है ठीक है तो इसका नाम दिया है रेपी डेक्स ओके ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी नेक्स्ट हाल ही में किसने संगठन से समृद्ध योजना की शुभारंभ किया है ठीक है की है तो किसने किया है इसको किया है गिरिराज सिंह ने ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है ठीक है तो किसके द्वारा किया, किया गया है ये पीयूष गोयल के द्वारा ठीक है पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय स्मारक अथवा विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है ठीक है तो ये कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कहां किया गया है तो इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कहां किया गया है तो यह किया गया है मुंबई में ठीक नेक्स्ट हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस देश के टेलोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया है तो या कहां का था ये था आपका सिंगापुर ओके सिंगापुर नेक्स्ट हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा युवा पोर्टल लॉन्च किया है ठीक है तो युवा पोर्टल कहा लॉन्च किया गया है भाई नई दिल्ली में ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है ठीक है ना तो साथ ही पोर्टल जो ऐप लॉन्च किया गया है वो कृषि मंत्रालय के लिए किया गया है नेक्स्ट <coughs> विश्व लीडर दिवस कब मनाया जाता है ठीक है विश्व लीडर दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है उन्नीस अप्रैल को नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है तो यह बन गया है अब हमारा देश भारत ठीक है जिसकी आबादी विश्व में सर्वाधिक है ठीक है तो कौन सा है भारत नेक्स्ट देख लेते हैं काशी तमिल संगम ठीक है ना काशी तमिल संगम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर किया गया है तो यह किया गया है हमारा वाराणसी ओके ऑप्शन नंबर बी ठीक है नेक्स्ट हाल ही में किसे टी ट्वेंटी प्लेयर ऑफ द 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है तो कौन प्लेयर है सूर्य कुमार यादव है ठीक हाल ही में किसे क्वेश्चन नंबर वन फाइव सिक्स हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ठीक है तो किसे किया गया है ये है हमारे राज सुब्रमण्यम ओके नेक्स्ट हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेंडले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है तो दुनिया का अमीर सबसे अमीर शहर कौन सा है न्यूयॉर्क ओके कौन सा शहर है यह न्यूयॉर्क है नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा ठीक है उत्तर प्रदेश का पहला महिला ठीक है महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा तो यह होगा गोरखपुर ओके गोरखपुर में किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है ठीक है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है तो केरल ओके केरल बना है नेक्स्ट हाल ही में लता मंगले मंगेशकर ठीक है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो किया गया आशा भोसले को ठीक है आशा भोसले को किया गया जो लता मंगेशकर की बहन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है इक्कीस अप्रैल को ठीक नेक्स्ट हाल ही में भारत का पहला वॉइस ठीक है भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप किस बैंक द्वारा जारी किया जाएगा तो यह किया जाएगा सिटी यूनियन बैंक द्वारा ओके? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फूड स्ट्रीट पहल का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा या किया गया है तो किसका किया गया है तो यह किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ओके फूड स्ट्रीट पहल का आयोजन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बना है ठीक है तो वह देश कौन सा है सीरिया ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन इंडिया की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल तरीके से सर्वाधिक लेन देन करने वाला भारत का शहर कौन सा है ठीक है सर्वाधिक लेन देन करने वाला तो वह कौन सा बना है वह बना है बंगलुरु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में दो दिवसीय यूरोपीय संघ इंडिया एविएशन समिट किस शहर में आयोजित किया गया है तो यह किया गया है नई दिल्ली में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ठीक है ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ठीक है लाइफा वन को लॉन्च किया है तो यह कहाँ का है ये केन्या का ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के जल निकायों की गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सर्वाधिक है ठीक है किस राज्य में जल निकायों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है तो वह राज्य कौन सा है पश्चिम बंगाल ओके okay? नेक्स्ट हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ साझेदारी में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन दो का आयोजन किया है ठीक है तो यह किसने किया है ऑप्शन नंबर डी संस्कृति मंत्रालय ने ओके नेक्स्ट देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहां स्थापित किया गया है ठीक है तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी ठीक नेक्स्ट हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है ठीक है तो यह बनी है दीपिका मिश्रा ओके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है नेक्स्ट हाल ही में किसे संतोकबा मानववादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो यह कौन है यह है सोनम वांगचुप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है ठीक है वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ है तो यह ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डियाज को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है ठीक तो है तो यह कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अपना यह है क्यूबा के ओके नेक्स्ट न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है ना अश्वायत मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया जारी ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का कौन सा यूनिकॉर्न शीर्ष पर है ठीक है तो यह कौन सा हो गया है तो ये है भैया बाइजूस ठीक है जो शिक्षा क्षेत्र से संबंध रखता है नेक्स्ट देख लेते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज दिवस ठीक है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को ठीक नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है ठीक है यह की गई है विश्व मौसम विज्ञान ठीक है जैसा क्लाइमेट से संबंधित बात हो रही तो कौन जारी करेगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है तो ये कौन है ये है ऑप्शन नंबर सी संदीप सिंह ओके नेक्स्ट विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है ठीक है तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को ठीक है 21 अप्रैल नेक्स्ट हाल ही में सचिन एट द रेट फिफ्टी सेलिब्रेटिंग ठीक है मिस्ट्रो नाम की बुक किसने लिखी है ठीक है तो यह जो क्रिकेट के प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर इनके जन्मदिन के अवसर पर ठीक है ये लॉन्च की गई है इसे किसे लिखा है इसे लिखा है बोरिया मजूमदार ने ठीक है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी वाहनों को ई वाहन बनाने का लक्ष्य रखा है ठीक है यानी कब तक बना देंगे तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक ठीक है नेक्स्ट हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना के किस चरण की शुरुआत की गई है ठीक है ना तो उड़ान योजना के किस चरण की शुरुआत की गई है पांचवे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश बन गया है ठीक है तो अब सबसे ज्यादा तेल कहाँ से आ रहा है तो रूस से ठीक है नेक्स्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है ठीक है तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है ऑप्शन नंबर डी कौन सा थर्टी स्थान पर हमारा इंडिया है ओके नेक्स्ट हाल ही में हिंसा युक्त सूडान में मौजूदा संकट से संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से बुलाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है तो वह ऑपरेशन का नाम क्या है वो हमें बताना है तो कौन सा ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कावेरी ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में चीतों के लिए कौन सा अभ्यारण विकसित किया गया है तो चीतों के लिए कौन सा अभ्यारण विकसित किया गया है ऑप्शन नंबर ए गांधी सागर अभ्यारण्य ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में एशिया पेसिफिक, मलेरिया लीडर्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां किया गया है तो इसे कहां किया गया है नई दिल्ली ओके नई दिल्ली में किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में किस गांव को देश का पहला गांव माना गया है ठीक है तो जैसा कि कोई भी बाउंड्री है उसका जो सबसे छोर वाला गांव है अब उसे देश का पहला गांव माना जाएगा ठीक है तो माड़ा भी पड़ता है लास्ट में और हुआ पड़ता है यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा उपरुक्त दोनों ठीक है नेक्स्ट विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है ठीक है तो यह मनाया जाता है तेईस अप्रैल ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है अगला देखते हैं हाल ही में एक पंचायत एक खेल का मैदान ठीक है एक पंचायत में एक खेल का मैदान हो ऐसी परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो यह कौन सा राज्य है यह है केरल राज्य ओके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है ठीक है विश्व टीकाकरण सप्ताह सप्ताह की बात हो रही तो यह कब मनाया जाता है अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में ओके अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में इसे मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है ठीक है अब उत्तर प्रदेश में एक और स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम तो कहां बन रहा है वो गोरखपुर में ठीक है सॉरी गोरखपुर हाँ गोरखपुर सही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन एक सेकंड वाराणसी इसका सही ऑप्शन तो होगा गोरखपुर गलत है इसका सही ऑप्शन तो होगा वाराणसी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में केरल की वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में वाटर टैक्सी चलाई जाएगी तो इसका भी सही आंसर कौन सा होगा C, सी वाराणसी ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व अंग्रेजी दिवस कब मनाया जाता है ठीक है विश्व अंग्रेजी दिवस कब मनाया जाता है ट्वेंटी थ्री अप्रैल को ठीक है इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में तारिक फतेह का निधन हुआ है यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे ठीक है तो तारिक फतेह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे तो ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता से जुड़े थे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम देश की पहली वाटर मेट्रो कहा चलाई गई है ठीक है तो पहली में वाटर मेट्रो कहा चलाई गई कोची में ठीक है ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में स्टार ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपने नवीनतम बिल्यू अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है ठीक है या नियुक्त किया है तो किसे किया है ठीक है, है वो। हैं वो, नेक्स्ट देखते हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन कहा किया है तो इन्होंने किया है नई दिल्ली में ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में जी ट्वेंटी टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है ठीक है तो ये कहां हुआ है जयपुर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ठीक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो यह ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है ठीक है विश्व मले, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो यह 25 अप्रैल ओके नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आगे आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है ठीक है तो यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को नेक्स्ट हाल ही में प्रकाश सिंह बादल ठीक है प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे ठीक है तो यह कहाँ के थे पंजाब के थे नेक्स्ट <coughs> हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी न्यूरोलॉजी की ओर से एन एन अवार्ड से नवाजा गया है तो यह कौन थे हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है क्योंकि डॉक्टर आनंद भी थे और डॉक्टर अभिषेक पाठक भी थे ठीक है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ठीक है ए और बी दोनों ठीक नेक्स्ट हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया है ठीक है तो कहाँ पे किया है तंजानिया में इन्होंने किया है ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरे इन पर्सन क्वार समिट की मेजबानी कौन करेगा ठीक है इसकी मेजबानी कौन करेगा ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अगला हाल ही में किसे मिश्रित मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो ये कौन है महावीर सिंह फोगाट ओके महावीर सिंह फोगाट को मिश्रित मार्शल आर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ओके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला हाल ही में किसे बांग्लादेश के बाईसवें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है ठीक है तो ये कौन है मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू ठीक है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ठीक है ये मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है बांग्लादेश का वाईसवा राष्ट्रपति ठीक है अगला हाल ही में आईटी उद्योग निकाय नेसकॉम ने 2023-24 के लिए किसे अध्यक्ष पद पर चुना गया चुना है ठीक है तो ये कौन है ये है अनंत महेश्वरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बारह दिवसीय पुरस्कार पुष्करालू महोत्सव का आयोजन हुआ है तो कहाँ पे हुआ है या हुआ है वाराणसी में ठीक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कावेरी में भाग लेने वाली एकमात्र महिला पायलट कौन बनी है ठीक है ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में सूडान से आपदा में फंसे हुए लोगों को भारत लाया जा रहा है तो वहीं पे भाग लेने वाली एकमात्र महिला पायलट कौन बनी है तो वो है हमारी शिवांगी सिंह ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने हिंदू त्योहार दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है ठीक तो है अमेरिका के तो वो कौन सा है ऑप्शन नंबर डी पेंसिल्वेनिया राज्य है ठीक है अमेरिका का नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में किसे भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है ठीक है तो यह किसे चुना गया है पंकज सिंह ठीक है ये किसके लड़के हैं राजनाथ सिंह के नेक्स्ट हाल ही में प्रकाशित ठीक है प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक स्मोक एंड एसेज और राइटर्स जर्नी थ्रू हिंडन इन हिस्ट्रीज ठीक है किसके द्वारा लिखी गई है तो इसे किसने लिखा है अरविंद घोष जी ने ठीक है इसका विकल्प बी एकदम सही है नेक्स्ट देख लेते हैं राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है ठीक है तो ये कौन बनी है ये बनी है मीनाक्षी कुमारी ओके नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हाल ही में किसने हीरो सुपर कप 2023 जीता है ठीक है तो किसने जीता है ओडिस एफसीसी ने ठीक है यानी कि ओडिशा के टीम ने जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन बस यहीं तक क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं अप्रैल माह से बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन थे वो सभी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले हमने कर दिए हैं ठीक है यही क्वेश्चन आएंगे जिनमें से और इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और जो पिछली वीडियो थी उसे भी एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा बस यही क्वेश्चन पूछेंगे धन्यवाद